और आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो सारा सुलैरी गुडियर की बायोग्राफी पे रहेगा इसके लिटरेरी करियर पे रहेगा और इसके राइटिंग स्टाइल पे रहेगा इससे पहले मैं एक वीडियो सारा सुलेरी से रिलेटेड ही अपलोड कर चुकी हूँ जो इसके वर्क पे थी बेसिकली मीटल स्टेज पे कुछ रिक्वायरमेंट थी कि मीटल स्टेज के यानी उसकी समरी चाहिए थी कुछ स्टूडेंट्स को तो इसलिए मैंने वो वीडियो पहले अपलोड कर दी लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं सारा सुलैरी के बारे में हम इन डिटेल देखेंगे कि सारा सुलैरी किस तरह लिखती थी इनका राइटिंग स्टाइल क्या था उारा सोलरी इज अ डायस्पोरिक राइटर या फेमिनिस्ट तो हम इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे ज्यादा लोंग नहीं होंगे सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को जो किसी भी एक वर्क को कवर करने के लिए मैं उस राइटर के अकॉर्डिंग uh, चाहिए होते हैं हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो सारा सुनहरी थी वो पाकिस्तानी बन अमेरिकन ऑथर थी ठीक है यानी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई और इनकी जो डेथ है वो अमेरिका के अंदर हुई इनका जो टाइम्स मैंने नाइनटीन फिफ्टी से स्टार्ट होता है कराची में वो पैदा हुई थी और 2022 यानी ये 2023 है ना तो एक साल पहले इनकी यूएस के अंदर डेथ हो गई है इनके पास अमेरिका की भी और पाकिस्तानी यानी डोल्थ नेशनलैटी थी इनके पास इनकी मदर का नाम था मेयर जोस ठीक है जो एक वर्च वुमन थी और एक इंग्लिश की प्रोफेसर भी थी और इनके फादर का नाम था जियाउद्दीन अहमद सुलेरी इसके फादर ने बेसिकली दो शादियां की थी पहली अपनी कजन के साथ जिसे बाजी कह के पुकारा गया है इसने अपने, इसने अपने बेसिकली मेमोर लिखे हैं तो मेमोर क्या होते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया मेमोर वो होते हैं कि जिसके अंदर कोई भी राइटर अपनी पास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग को रिकॉल करता है या उसके अकॉर्डिंग लिखता है तो इसने ना मेमोल लिखे जिसके अंदर वो इन डिटेल बताती है अपने फादर के बारे में अपनी फैमिली के बारे में ठीक है तो इसके फादर का नाम था जियाउद्दीन अहमद सुलेरी जो एक पॉलिटिकल जर्नल भी थे राइटर भी थे पाकिस्तानी मूवमेंट के एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं और इसके अलावा इनका कायदे अजम मोहम्मद अली जनाह और जुल्फकार भुट्टो के साथ अच्छे रिलेशन भी थे ठीक है और अगर हम कहें कि इसके फादर को वो पिप कह के पुकार दी, पुकारती दी है ठीक है जब भी इसने अपना मीटलेस स्टेज लिखा है तो उसके अंदर अपने फादर को पिप कह के इसने पुकारा है ठीक है पिप का मतलब है पेट्रियोटिक एंड प्रोस्पेरस डिस्पोजिशन ठीक है ये एम सी उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो ये पूछा जाता है अगर इनके मेरिट के बारे में बात करें सारा सुलैरी की तो इसने ऑस्टन गुडियर से नाइनटीन के अंदर शादी की थी जो एक प्रोमिनेंट फैमिली ऑफ यूएसए तो जब हम इसे यूएसए की प्रोमिनेंट फैमिली और इसकी शादी के बारे में बात करें तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि सारा सुनहरी इज अ डायस्पोरिक राइटर आल्सो ठीक है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब मैं पाकिस्तानी राइटर जुल्फार गोस को डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वट इज़ अ डायस्पोरिक राइटर के डायस्पोरिक राइटर का मतलब क्या होता है या डायस्पोरा का मतलब क्या होता है तो ये भी एक डायस्पोरिक राइटर थी तो अगर आपको पता नहीं है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख ले और अगर आपने जस्ट यही वीडियो देखनी है तो मैं आपको डायस्पोरा का मीन बता देती हूँ डायस्पोरा का मतलब होता है जब कोई भी एक राइटर अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा कर लिखता है अपनी अपनी कंट्री के बारे में और अपनी मेमोरी इन हिस कंट्री तो ये होती है डायस्पोरिक ठीक है डायस्पोरिक राइटर या इसे डायस्पोरा का थीम भी कहते हैं आप तो इसके अंदर जो बेसिक वो थीम यूज़ करता है एलियनेशन का आइडेंटिटी का आइडेंटिटी क्राइसिस का डिटैचमेंट का ऐसे थीम्स यूज करते हैं राइटर जब वो डायस्पोरा राइटर कहलाता है ठीक है ये जो थी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थी एट येल यूनिवर्सिटी वेयर शी टॉट रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री तो येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी ये रह चुकी हैं जहाँ इन्होंने रोमांटिक और विक्टोरियन पोएट्री को पढ़ाया था और ये येल जर्नल ऑफ क्रिटिसिज्म की फाउंडर भी रह चुकी हैं एंड इंटरेस्ट इन एडमंड बर्क एडमंड बर्क के अंदर इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ठीक है और इन्होंने किन्नड़ कॉलेज से अपनी बी की डिग्री कम्प्लीट की थी मैंने आपको एक और पाकिस्तानी फीमेल राइटर पढ़ाई है बेपसी हाँ जी बेपसी सिदवाई तो बेपसी सिदवा भी किन्नड़ कॉलेज से ही उन्होंने अपना बी ए किया था थोड़ी सी कम्पेरेटिव स्टडी कीजिए किया करें ताकि आपको क्लियर हो जाए तो किन्नड़ यूनिवर्सिटी से वेबसे से भी इससे बिलोंग करती है और ये सारा सुलहरी भी ठीक है ये तो था इसका थोड़ा सा हमने देखा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अब हम देखते हैं ओवरऑल इसके क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं जब भी आपने कोई राइट राइटर पर क्वेश्चन बनाना होता है बेसिकली ज़्यादातर लिटरेचर में क्या होता है आपको वर्क दिए जाते हैं कि इन वर्क पर आपने बात करनी है ये वर्क आपके सिलेबस में है तो उस वर्क को पढ़ने के लिए हमेशा याद रखिएगा जब भी अगर आपने किसी भी वर्क को पढ़ना है ना तो उसको पढ़ने के लिए आपको उसके राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर शेक्सपियर को पढ़े और रन, आ, उसके बर्स को पढ़ रहे हो या जोनाथन स्विफ्ट जिसे भी पढ़ रहे हो तो आप मेक श्योर sure कि उसकी इरा को पढ़ लो क्योंकि इरा का उस दौर के जो इरा होती है ना बेसिकली उसका बहुत गहरा इंपैक्ट होता है उस राइटर पे ठीक है जिसके अकॉर्डिंग वो लिखता है और बाज़ बाजुत तो राइटर उसके अकॉर्डिंग लिख भी नहीं रहे होते वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है तो हम देखते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे यानी ये एक फेमिनिस्ट राइटर भी है ठीक है एक डायस्पोरिक राइटर भी है ठीके? एक मेमोर भी है ठीक है डिस्कस सारा चल एज अ मेमोर ऐसा वाला क्वेश्चन भी बाज़ बाजा पूछा जाता है तो मेमोर का मैंने आपको बता दिया पोस्ट क्लोनीय भी हैं ठीक है नाइन फिफ्टी थ्री के अंदर पैदा हुई तो कलोनाइजेशन के बाद ही पैदा हुई बेसिकली और उसी के बाद वो लिखती हैं इवन के वो पोस्ट कलोनियल इफेक्ट भी बताती हैं थ्रू द लैंग्वेज यूजिंग द रेटरिक लैंग्वेज एंड द अप्रोप्रिएशन लैंग्वेज ठीक है language, rhetoric, uh, rhetoric language, इस तरह वो बताती हैं पाकिस्तानी राइटर भी हैं ठीक है थीके? इसे आप पाकिस्तानी राइटर भी कह सकते हैं या अमेरिकन राइटर वैसे ये पाकिस्तानी राइटर के तौर तो पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जब हम अमेरिका के साथ इसे रिलेट करेंगे तो हम इसे डायसपोरा कहेंगे ठीक है ये हम देखते हैं ये सारे क्वेश्चन जब आप लिटरेडी करिए और राइटिंग स्टाइल के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लूँगी अच्छा हम देखते हैं अब इसके लिटरेरी करियर जो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया इनको याद रखिएगा मैं साथ साथ इनको कवर करती जाऊँगी पहला है मैंने यहाँ लिखा है उसका वर्क मीटलेस डेज तो मीटलेस डेज हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है तो मीटलेस डेज 1989 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया इसके अंदर जो हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं पहला तो है फेमिनिज्म ठीक है फेमिनिज्म किस तरह के वो इसके अंदर बहुत सारी फीमेल करेक्टर्स दिखाती हैं और रियल करैक्टर्स हैं वो जैसे कि दादी का करैक्टर हो गया अम्मा बाजी का करेक्टर हो गया इफत का तिलत का सारा का ये सारे रियल करैक्टर के ओरिजिनल नेम यूज़ करके वो सारी फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बताती है इवन कि वो अपना हाश एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान ये भी हाईलाइट करती है पॉलिटिकल नोवेल भी है ठीक है ये एक नोवेल है तो पॉलिटिक पुलिट, के पर्सपेक्टिव से भी वो लिखती है इसके इसके मैं आपको एक स्पेशलिटी और सारा सु बताऊँ तो सारा अपने हर एक वर्क के अंदर मल्टीपल परसपेक्टिव को टच दे रही हैं ठीक है आप इन सारे आगे इन सबको देखोगे ठीक है ये एक मेमोर भी है ये एक डायस्पोरा का टच भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है जैसे सारा सुलैरी की जो मदर है वो इंडिया चली जाती है और वहाँ वो एलियनेट फील करती हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करती हैं पोस्ट कलोनियलिजम तो हमें इसके अंदर बहुत परफेक्टली देखने को मिलता है कि कलोनाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो किस तरह सारा सुले के फादर पर होता है इन द स्टोरी ठीक है नेशनल हिस्ट्री एंड पर्सनल बायोग्राफी तो ठीक है नेशनल हिस्ट्री को भी हाईलाइट करती है 1947 की हिस्ट्री को बताती है 1971 के की पार्टीशन को बताती है ठीक है सारे वॉयलेंस वैसा वगैरह को हाईलाइट करती है नेक्स्ट उसका है डायरेक्ट्रिक ऑफ इंग्लिश इंडिया 1992 के अंदर ये पब्लिश करवाया गया इस वर्क के अंदर भी हमें वो विकती है हमें देखने को मिलती है कि वो इंग्लिश राइटिंग को एक्सप्लोर करिए इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ठीक है और इसके अलावा पोस्ट पोस्टर परस्पेक्टिव हम इसके अंदर देखने को मिलते हैं नेक्स्ट इसका वर्क है बॉयज़ विल बी बॉयज़ डॉटर्स एलिजी बेसिकली ये जो वर्क था सारा सुलारी के फादर का था उसने स्टार्ट किया था बॉयज़ विल बी बॉय बोई, बोएज तो यह अब देखो तो बॉयज़ विल बी बॉय पेट्रॉकन ही नाम है बॉयज़ विल बी बॉयज़ ठीक है तो ये इसके फादर ने स्टार्ट किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर चुके थे और बाद में इन्होंने सारा से कहा था कंप्लीट करने के लिए और फिर सारा सुलहरी ने इसे कंप्लीट किया था विद द नेम ऑफ बॉयज विल बी बॉयज आर डोटर चैलजी टू थाउजेंड थ्री में पब्लिश करवाई है और इसके अंदर ह्यूमन ट्रीब्यूट करती है अपने फादर को पेट्रॉकल वैल्यूज़ को बताती है सप्रेशन ऑफ वुमेन फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी और मेल गेस डोमिनंस ये सारे पॉइंट्स को इसके अंदर वो हाईलाइट करती है ठीक है एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन अ मेमोर ऑफ पोस्ट कलोनल पाकिस्तान टू के अंदर आया और इसके अलावा ये जो यहाँ मैंने वर्क लिखा ये है ये एम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अट्रीब्यूट टू गालिब ठीक है ये बेसिकली एक वर्क था जो सारा सुनहरी और अज़रा रज़ा ने मिल इसे कंपोज किया था और ट्वेंटी वन गज़ल्स री इन प्रिंटेड यानी गालिब के ट्वेंटी वन जो जो गज़ल्स थी इन्होंने इसे रीप्रिंट करवाया और इस तरह उसे ट्रिब्यूट ट्रीब्यूटर गालिब के नाम से दिया गया इसके उन्होंने इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दे दी, दी अपने कोई व्यूज़ एड किए होंगे इस तरह ठीक है तो ये आप याद रखिएगा अज़रा रज़ा के साथ और सारा सुनहरी ने इसे मिल के लिखा था इवन कि अगर आप नेट से या गूगल से कहीं से सर्च करके देखो तो इनके बारे में हमें व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं कि वापस मैं इकट्ठे बरेट इशन के अंदर जैसे इन्होंने लिखा था तो वो मीडिया के अंदर बता रही हैं कुछ उच... एंकर आई थिंक सो इनके पास आए है हैं तो उन्हें अंदर बता रहे कि किस तरह इन्होंने ट्रिब्यूट को और ट्रिब्यूट टू तो गाली को कंपोज किया है ये सारा कुछ ठीक है तो ये तो सारे वर्क थे जिसके अंदर हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव को टच दिया और अगर हम देखते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ सारा सिलारी तो राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राइटर को समझने के लिए उसका राइटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट होता है और अगर हम देखते हैं सारा सिलारी के राइटिंग स्टाइल को तो सबसे पहला पॉइंट ही वो है जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव को इन द सेम वर्क वो टच कर रही होती है आइडेंटिटी डायस्पोरा को हाईलाइट करती है जैसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस बताती है ठीक है होमलेसनेस को नोस्टैल्जिक फीलिंग बताती है डिटैचमेंट ठीक है और मेटल स्टेज जिसकी बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है जो एक डायस्पोरा के फॉर्म के अंदर लिखा गया है ठीक है क्योंकि मिटल स्टेज के अंदर नोस्टॉलिजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें देखने को मिलता है थ्रू द करेक्टर ऑफ सारा डिटैचमेंट भी देखने को मिलती है थ्रू द करेक्टर ऑफ सारा समर ठीक है जैसे हम मेयर जोस यहाँ कहा गया है ठीक है मेरा जोशिया सुलारी का करके और इसके अलावा आइडेंटिटी होमलेसनेस पर सारा सुारी अपनी दादी की डेथ पे घर नहीं होती यानी वो अमेरिका होती है इवन कि सारा सुलारी का फादर भी अपनी मदर की डेथ पे यानी जब उनके फ्यूनरल पे नहीं होता वो भी इंग्लैंड होते हैं तो इस तरह हमें डारस्पोरा होमलेसनेस का थीम देखने को मिलता है ठीक है और प्री डार्सपोराफ लाइफ को भी अपने जो नावल हैं या वर्कस हैं उसके अंदर डिनोट करती हैं फेमिनिस्टिक और पेट्रॉ का पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हैं ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रीवियसली ही टॉक्स अबाउट जेंडर इन इक्वालिटी तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करती है ठीक है जब अगर आप इसके मीडल स्टेज को देखो जो बहुत परफेक्ट एक्जाम्पल है या बॉयज़ पिल भी बॉयज़ को देख लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जेंडर इक्वालिटी को किस तरीके से बेसिकली इन इक्वालिटी को वो किस तरीके से हाईलाइट करती है पोस्ट कलोनल प्रस्पेक्टिव के अंदर लिखती है इसका जो नोवल है दैक्ट्रिक ऑफ इंग्लिश इंडिया ठीक है नाइनटीन नाइनटी टू के अंदर जिसे पोस्ट कलोनलियल लैंग्वेज को जिसके अंदर बेसिकली वो हाईलाइट करिए और इसके अलावा मीडल स्टेज के अंदर भी वो लैंग्वेज द इमैक्ट ऑफ कलोनाइजेशन ऑन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ठीक है इन पोस्ट थ्रू द करेक्टर ऑफ और फादर ठीक है क्योंकि वो बताती है कि जो मेरा फादर है उसे इंग्लिश के लैंग्वेज uh, के वर्ड नहीं बोलने आते ठीक है तो इन चीज़ों को वो हाईलाइट करती हैं इंग्लिश के वर्ड को वो थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं टाक्स अबाउट आफ्टर मैस ऑफ कोलोनाइजेशन और साइकोलॉजी ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि वो अपना दिखाते कि मेरा जो फादर है ना कि मेरे जो फादर हैं जब वो इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे थे यानी जब उसे लिख रहे थे और उन्हें जब बेसिकली uh, उर्दू और हिंदी की लैंग्वेज को छोड़ना पड़ा तो उसके फादर खुद ही लिखते हैं कि इट डिड हामी बैडली तो वो इस तरह वो लिखती है और इवन के बहुत ज्यादा रियलिज्म का यूज करते हुए इस सारे पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करती हैं क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जैसे आफ्टर द पार्टीशन वो किस तरह दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की साइकोलॉजी पे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हुआ ठीक है मैं मोर लिखती है ठीक है मैं मोड़ तो मैंने आपको साथ डिस्कस किया है जैसे कि मीटलेस स्टेज रियलिज्म का यूज़ करती है शोज़ एक्सपीरियंस ऑफ नेशनल हुड इन हर नावल्स ठीक है नेशनल हुड अपने फादर के थ्रू दिखाती है शोज़ द इंटरफ्रेंस बिटवीन द पर्सनल एंड पोलिटिकल एक्सपीरियंस थ्रू हर करैक्टर्स तो ये बहुत ठीक है इसके अलावा हम कहाँ थे सारों से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्नीक अभी यूज़ करती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन वर्क ये बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है तो हमने उसके सारा सिलारी के राइटिंग स्टाइल लिटरेरी करियर के आ, के अकॉर्डिंग ही देखा कि सारा सुारी किस तरह है एक पोस्ट क्लोनियन राइटर एक मेमोर एक फेमिनिस्ट राइटर और एक डायस्टोरिक राइटर है ठीक है तो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स सा आपको क्लियर हो गए होंगे अगर इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रहता है तो लेट मी नो अबाउट दिस पॉइंट या दिस कन्फ्यूजन इन द कॉमेंट बॉक्स तो आई ट्राई मे बेस्ट एज सुन एज पॉसिबल कि मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी ठीक है तो अब तक के लिए बस इतना ही अपना खास ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा और और इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई फर्दर पॉइंट ऐड करना हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी उसे और आप कमेंट बॉक्स को भी एक बार देख लीजिएगा तो आई होप सो कि वैसे मैं मैंने सारे पॉइंट्स इसको क्लियर कर दिए हैं सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस कर दिए हैं तो अगर और कोई पॉइंट एम सी क्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से यानी या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट हुआ या जो भी तो मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन अप पिन कर, कर दूँगी ठीक है पिन हो जाएगा वो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दुआ में याद रखेगा